अब मजीद आगे चलते हैं और ठीक है जी। तो अगली चीज जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ये डिफरेंस नजर आ रहे होंगे आपको डायमंड और ग्रेफाइट के। अच्छा देखो, इसको अब आप डिफरेंस समझ लो या कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, ये तो आपके ऊपर है। इसको मैंने लिखा इस पैटर्न पे है कि आपको ये डिफरेंस की सूरत में नजर आ रहा है। अच्छा, अब डायमंड और ग्रेफाइट में जो याद करने की बात है सबसे इंपॉर्टेंटली, वो कौन से पॉइंट्स हैं, हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो ये पॉइंट नंबर टू, ठीक है, आप लोगों को ये शो नहीं हो रहा। एक तो बेटा ये पॉइंट नंबर टू है जो आपको याद रखना चाहिए इसके हवाले से, सही है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर वन, अच्छा एक रीजन अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि आप ये बताएं कि क्या वजह है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट करता है। अच्छा, दोनों एलोट्रोप्स कार्बन के ही हैं, तो ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वजह है। अच्छा, एक और गड़बड़ है इसमें, यहां पर इसको जरा सही करिएगा। ये sp3 नहीं है, ठीक है, ये ग्रेफाइट में sp3 नहीं है, ये sp2 लिखा है, ठीक है, मतलब यहां पर sp2 होना चाहिए था, वो गलती से sp3 हो गया, इसको सही कर लीजिएगा था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बॉन्डिंग याद दिलाऊं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है किसी भी चीज में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता फॉर फर्दर बॉन्डिंग। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, एडिशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जब sp2 रिएक्शन होता है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ हो रही थी, पहले तो मैं आपको ये याद दिला देता हूं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी बेटा जब आप इथीन पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 में जब आपने इथीन पढ़ा था, तो वहां पर आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी थी। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ था कि कार्बन के तीन ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए थे, एक एस दो पी, और ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे ये सिग्मा बॉन्ड बना गए थे, सिंगल बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया था। और नेहा, ये हिफ्जा को तो अच्छा, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड बन गया। अच्छा, वहां पर क्या हुआ था कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रह गया था फॉर बॉन्डिंग, बट क्या था कि वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहा था, वो पाई बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। अब यही sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब आप ग्रेफाइट पे अप्लाई करते हो, तो ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है बॉन्ड बनाने से, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाने से रह जाता है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो पाई बॉन्ड बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, दरअसल ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है और डायमंड कंडक्ट नहीं कर पाता। याद रहेगी ये बात, रीजन समझ में आ गया सबको, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा एक एमसीक्यू अगर इस तरीके से आ जाए कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में से हार्डेस्ट कौन सा होता है, सबसे ज्यादा हार्ड, तो उसका करेक्ट आंसर होगा डायमंड। डायमंड नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड का मतलब ये होता है कि, हार्ड का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज को आप तोड़ नहीं सकते, हार्ड का मतलब ये होता है कि इट इज एक्सट्रीमली ब्रिटल एंड कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स वो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन टेंजाइल फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो तरह की फोर्सेज होती है, एक कंप्रेसिव होती है, एक टेंजाइल होती है। कंप्रेसिव कौन सी होती है,
कंप्रेसिव वो फोर्स होती है जो, जैसे अभी हम खड़े हुए हैं तो हमने टाइल पर जो फोर्स अप्लाई की हुई है ना, ये फोर्स कंप्रेसिव फोर्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब टेंजाइल फोर्स क्या होती है? टेंजाइल फोर्स मैं यहां पे आपको अगर समझा सकूं, जैसे ये एक रॉड है मेरे पास, ये मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था। अब इस रॉड को मैं इस तरफ से और इस तरफ से दो बराबरी, मतलब इक्वल अमाउंट की फोर्स से दोनों साइड से खींचूं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्टील या इस तरह का सैंपल होगा तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी जब मैं दोनों साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगा? तो तुम कहाँ थी जो फोन कर रही थी? बाहर क्या कर रही थी? गेट ये वाला खुला हुआ था ना। अब देखो, ये जो रॉड थी, सेंटर रॉड, इस रॉड की जो शेप है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। जब हम टेंजाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेंथ की, मतलब कॉर्नर साइड से वो थोड़ा सा इलॉन्गिनेट होगी, बड़ी होगी, और सेंटर पोर्शन ऑब्वियसली उसका पतला हो जाएगा क्योंकि एटम्स आगे की तरफ खिसकेंगे। इस फोर्स को, इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं टेंजाइल फोर्स, जो सब्सटेंसेस को दो हिस्सों में अपार्ट खींच रहा हो, ठीक है। कंप्रेसिव दबाने की फोर्स है और टेंजाइल समझ लो खींचने की फोर्स है। तो ब्रिटल सब्सटेंस या जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो कंप्रेसिव फोर्स तो बर्दाश्त कर सकता है, टेंजाइल फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टूट जाता है। दैट इज व्हाई डायमंड को हम हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं और ये टेंजाइल फोर्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद इनकी डेंसिटी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिए हुए। अब डायमंड चूंकि आपको पता है कि एक्सट्रीमली एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है, जितना ज्यादा कोई मटीरियल ट्रांसपेरेंट होता है उसमें से लाइट पास होने की गुंजाइश होती है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। तो डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी बहुत हाई है, तकरीबन 2.45 की वैल्यू है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ग्रेफाइट का 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारी किताब में एक जगह एक बात लिखी है कि अगर ग्रेफाइट को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें तो वो डायमंड बन जाता है। ये बात इंतहा दर्जे की खराब और बेकार सी बात है, क्योंकि देखो अगर ग्रेफाइट से आप इतनी ही आसानी से डायमंड बना सकते तो डायमंड इतना महंगा नहीं होता। डायमंड बहुत ज्यादा प्रीशियस और महंगा महंगी चीज है, तो वो इतनी अगर आसानी से बन रहा होता। ग्रेफाइट मिलता है आई गेस, जब मैंने लास्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए लिया था तो 350 रुपए किलो मिला था मुझे, अभी बहुत महंगा हुआ होगा, 500 रुपए किलो होगा, ठीक है। तो अगर 1 किलो डायमंड से, फॉर एग्जाम्पल 1 कैरेट 2 कैरेट डायमंड भी बन जाता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने से, तो वो तो बेनिफिशियल है। आप डायमंड खरीद, ग्रेफाइट खरीदते जाओ, डायमंड बना के बेचते जाओ, रातों रात सब अमीर हो जाएंगे, ये मुमकिन तो नहीं है। तो ये बात हमारी किताब में लिखी है। हाँ, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, बट सिर्फ टेम्परेचर की कंडीशन उसको रिक्वायर नहीं है, वहां पे प्रेशर और दूसरी तरह की कंडीशन भी चाहिए होती हैं, तब जाकर ये मुमकिन हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ग्रेफाइट को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि डायमंड आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो आगे चलते हैं इसमें, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 में दो एलिमेंट्स को हमने बड़ी तफसील से पढ़ना है। एक मतलब डायमंड है, सॉरी कार्बन है, और दूसरा जो है हमारे पास सिलिकॉन है। एमसीक्यूज क्या आते हैं, कितने आते हैं, अभी हम इसके बारे में श्योर तो नहीं है। अच्छा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ना अलग अलग पैटर्न है। जैसे एमकैट वाले जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप टेस्ट देंगे तो आपके केमिस्ट्री में आई गेस 60 MCQs होंगे या 40 MCQs होंगे, 40 है शायद, या पता नहीं 60, मुझे अभी याद भी नहीं है। तो और यहां पर 56 हो 56 कह रहे हैं, रहे चलो 56 MCQs की तादाद आ रही है एम कैट में। अच्छा, जो ई कैट के बच्चे बैठे हैं, अब आप लोगों के भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनएडी में 25 MCQs आएंगे, इसी तरीके से अगर आप केयू का टेस्ट देते हो तो उसमें भी 20-25 MCQs होने हैं। नस्ट के टेस्ट में ज्यादा होने हैं, और मेरे ख्याल से नस्ट तो कोई भी नहीं देने वाला, बल्कि नस्ट तो हो भी रहा होगा शायद इस महीने या अगले महीने होगा नस्ट,
नेट थ्री होगा। तो उसके अलावा अगर दाऊद की बात करें, आप जितने भी ई कैट बेस्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपके केमिस्ट्री एमसीक्यू की तादाद 20-25 ही होने वाली है। एम कैट में ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे अभी मैंने डायमंड के वाले से की, कार्बन ग्रेफाइट के वाले से की, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि एमसीक्यू की तादाद एम कैट में ज्यादा है। ई कैट में आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह की कोई बात आपसे पूछेंगे। ई कैट में वो कोशिश होगी कि थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आपसे पूछें, बजाय इसके कि आपसे वो कोई रटा रटाए एमसीक्यूज को पूछें। ठीक है, एक प्रैक्टिस होगी। तो खैर, यहां जो बातें अभी आपके सामने स्लाइड पर आपको नजर आ रही हैं, ये ज्यादातर बातें ऐसी हैं बेटा जो आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, और मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जगहों पर चीजें समझने की हैं या ट्रिक हम बता सकते हैं कि इसको इस तरीके से आप ट्रिक कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या है वो याद करने की है। अब जैसे सिलिकॉन के बारे में देखो, हर एलिमेंट के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो निहायत ही ना इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मतलब वो तो आपको याद होने चाहिए, बाकी आपको कुछ याद हो या ना हो, वो दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब जैसे सिलिकॉन के बारे में सबसे पहली बात जो मैंने पॉइंट जो ऊपर टॉप पे लिखा है कि सिलिकॉन जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट में। सबसे पहला कौन है? ऑक्सीजन। सेकेंड पे कौन है? सिलिकॉन। और थर्ड पे आई गेस एल्यूमिनियम है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसी स्लाइड पर आपको दो चीजें एक साथ नजर आ रही होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन नजर आ रहा होगा और यूजेस ऑफ सिलिकॉन नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन या यूजेस ऑफ सिलिकॉन, इसकी अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन कहां यूज होता है, किस कोई आइडिया दे सकता है? स्लाइड्स को देखे बगैर रेंडमली बताओ अगर किसी की जानकारी में कि सिलिकॉन कहां यूज होता है। सेमीकंडक्टर्स, फिजिक्स तो पढ़ी है ना यार, चैप्टर 16 आई गेस पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, और अगर अभी भी सिलिकॉन नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब नहीं पढ़ा। तुम लोगों के साथ तो मजाक हो रहा है बेटा, एंजॉय करो। कंप्यूटर की जो चिप्स होती है उसमें भी तो यूज होता है। बिल्कुल, कंप्यूटर की चिप्स में यूज होता है, उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स में, डिस्क में यूज होता है। यानी कि सिलिकॉन ऐसी जगह यूज हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूं, समराइज कर दूं, जो छोटे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं सिलिकॉन वहां यूज हो रहा है। छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कौन से होते हैं सर? मोबाइल का, जो आपके घरों में छोटे छोटे अप्लायंसेज होते हैं, उन अप्लायंसेज के सर्किट्स, इन चीजों में सिलिकॉन यूज होता है। बिकॉज सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर, तीन चीजें होती हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सेमीकंडक्टर जो कुछ खास कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हमारी होती हैं उसमें हमें सिलिकॉन की जरूरत क्यों होती है, सवाल ये है, हम वहां कंडक्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर हम वहां पे कंडक्टर्स यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो एक्सट्रीम लेवल पे बहुत तेज हो जाएगा, और वो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो उस करंट को सस्टेन नहीं कर सकती, वो खराब हो जाएगी, इसलिए हम वहां पे सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन के बारे में ये सेमीकंडक्टर है। अब शुरू में इसके दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स जो लिखे हैं, तीन चार पॉइंट्स प्रॉपर्टीज में ये वाले, कि इनकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि दे हैव लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कौन सा वाला कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? अल्फा एंड बीटा, अल्फा फॉर लीनियर एंड बीटा फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसके अलावा लो केमिकल रिएक्टिविटी, सिलिकॉन की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन, सिलिकॉन की रिएक्टिविटी कम होती है, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बन पहले है, सिलिकॉन उसके बाद में। उसके अलावा टॉक्सिसिटी नहीं है, यानी कि जहरीला नहीं होता। जहरीला ना होने का मतलब ये नहीं कि सिलिकॉन चबाने बैठ जाए, ठीक है, जहरीला ना होने का मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता। बच्चों की आदत होती है ना, वो छोटे जो भी उनके हाथ में आता है वो मुंह में डाल देते हैं, और आजकल हम बड़ों की भी आदत कुछ ऐसी ही हो गई है कि जो भी हाथ में आया मुंह में चला गया। तो लो टॉक्सिसिटी का मतलब है कि जहरीला डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत वाफर मिकदार में से कंज्यूम कर जाए तो फिर मसला होगा। उसके अलावा लो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि अच्छा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी
लो है कि हाई है, मैंने लो कह दिया, लो नहीं है, थर्मली स्टेबल होता है, यानी कि बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बेटा जो जब हम उनको हीट करते हैं तो बहुत कम हीट एनर्जी के ऊपर, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर वो टूट जाते हैं या रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन दोनों में से कुछ नहीं करता, ना रिएक्शन करता है ना ही मजीद डिकम्पोज होता है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। बाकी के पॉइंट्स को आप देख लीजिए कि ये पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, आपकी किताब में ये पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो आपकी किताब में शुरू के 3-4 पॉइंट्स तो लिखे हैं, इसके बाद अगले पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। अच्छा, आपकी किताब से मुराद अब मेरी सिंध बोर्ड की किताब नहीं होगी, आपकी किताब से मुराद फेडरल बोर्ड भी होगा, आपकी किताब से मुराद आपकी टेक्स्ट बुक भी होगी, आपकी किताब से मुराद ए लेवल और ओ लेवल का कोर्स भी होगा, ठीक है। अच्छा, यूजेस देख लीजिए, अब यूजेस सर याद करने पड़ेंगे, मत करो याद, इतना याद कर लो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है काफी है। अब सर यहाँ तो देखें कंस्ट्रक्शन का भी दिखा रहे हैं, हेल्थ केयर का दिखा रहे हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का दिखा रहे हैं, तो कितना याद करें बेटा, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये एक स्लाइड जो है ना, ये एक लेक्चर है जिसको कंप्लीट होना जरूरी है नॉलेज पर्पस के लिए, लेकिन आपके टेस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्या चीज है ये आपको समझना पड़ेगा, आप लोग को कहते हैं ना प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसी भी चीज को, यार इसको मुझे प्रायोरिटी देनी है कि नहीं देनी है, तो इट इज इनफ कि आपको पता है कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। अच्छा, एविएशन एंड एरोस्पेस, ये एक चीज लिखी हुई है, एविएशन एंड एरोस्पेस से मुराद ये है कि आपके जो प्लेन्स हैं, एक तो प्लेन्स के बनने में, और दूसरा एविएशन से मुराद है जो प्लेन और कंट्रोल टावर का कम्युनिकेशन होता है, ये है एविएशन बेसिकली। तो इनके इनमें कहाँ इस्तेमाल होता है, इनमें जो पूरा प्लेन का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, प्लेन सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेटल और एलॉयज का नहीं बना हुआ होता, उसके बिहाइंड द डेक पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चल रहा होता है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिलिकॉन से बनाया जाता है, क्योंकि एक तो मेटलॉइड होने की वजह से डेंसिटी कम होती है, प्लेन हैवी नहीं होता, दूसरा जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कंडक्टर्स लगाएंगे तो करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और हो जाता है, ठीक है। आगे चल रहा हूं, कोई सवाल अभी तक किसी को भी? अब कुछ सिलिकॉन जी बेटे, आपने पीएमसी की तरफ से जो सिलेबस इशू हुआ है एमडी कैट का वो देखा है? हाँ, मुझे किसी ने भेजा था, तो वो रिड्यूस के हिसाब से नहीं, किसने भेजा था पता नहीं, तो उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ टॉपिक्स तो हैं ही, जैसे के स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है बेंजीन नहीं है उसमें, तो ये सब फिर हम नहीं प्रिपेयर करें। बेटा देखो, अभी वो पीएमसी की तरफ से जो कोर्स आया है उसमें मतलब ऑथेंटिकेशन तो है जो मैंने सुना है, जो सही बात है, लेकिन मैं एक चीज ये कहूंगा कि मैं तो खैर बेंजीन भी पढ़ा दूंगा, जब चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं बेंजीन भी पढ़ा दूंगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि आपका ना उसमें जो पीएमसी का सिलेबस है वो उसमें लिखा है, जहां तक मुझे याद है उसमें हाइड्रोकार्बन लिखा है, सही है? जी सर, एक मिनट, ये मारूफ भाई ने भेजा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो बेटा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में बेंजीन इंक्लूड हो गया ना, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में बेंजीन आ गया, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, और केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं, 6 MCQ या 7 MCQ से आते हैं, ठीक है, बड़ा चैप्टर है ये, तो बेंजीन हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, और जैसे डिवीजन हमारे, क्योंकि ये जो पीएमसी का जो सिलेबस आया है अकॉर्डिंग टू फेडरल आया, अगर आप गौर करो तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन अलग बताया है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अलग बताया है, आप जबकि आपके कोर्स में ऐसा नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ एक चैप्टर 9 है और उसमें ही सारे आ जाते हैं, एल्डिहाइड भी, कीटोन भी, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह सब आ जाते हैं उसमें, सही है ना, क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, वापिस आते हैं बेटा कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन की जानिब, तो सिलिकॉन के कंपाउंड्स जो
आपके पास यहाँ मेंशन है आपके कोर्स में, आपकी वही बात आती है कि आपकी सिंध बोर्ड की किताब में मौजूद नहीं, ये फेडरल में है। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या है, दो कंपाउंड्स हैं सिलिकॉन के जो मेंशन है उधर, एक SiO2 सिलिका है, ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आता है, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। कॉमनली ये क्या चीज है, SiO2 बेटा मट्टी है, ठीक है, कॉमनली जिसे आप कहते हो, और Na2SiO3 इसको आप वाटर ग्लास भी कहते हो। वाटर ग्लास कहने की वजह ये कि ये इस कंपाउंड से सोडियम ग्लास बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको वाटर ग्लास कहा जाता है। अच्छा सिलिका कैसे बनाया जाता है, आप डायरेक्टली सिलिकॉन को कंबस्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सिलिका बन जाता है, SiO2 बन जाता है, एंड टेम्परेचर मस्ट बी 1000 डिग्री सेल्सियस, आई गेस 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम सिलिकॉन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो सिलिका यानी कि SiO2 बन जाता है। अच्छा सिलिका याद रखिएगा, सिलिका का मतलब है SiO2, सिलिका का मतलब सिलिकॉन नहीं है, बच्चे अक्सर मिक्स करते हैं इसको, सिलिका और सिलिकॉन में फर्क है, ठीक है। अच्छा सोडियम सिलिकेट जो है Na2SiO3, इसकी प्रिपरेशन लिखी है कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ रिएक्ट कराएं, और ये रिएक्शन भी तकरीबन 1200-1300 डिग्री सेंटीग्रेड फ्यूजन रिएक्शन है बेसिकली, यानी कि हाई टेम्परेचर पे होता है और उस टेम्परेचर पर होता है जिसपे ये चीजें मेल्ट हो सकती हो, और सोडियम कार्बोनेट का मेल्टिंग टेम्परेचर मेरे ख्याल से 800 से ऊपर होता है, मुझे एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, तो उससे ऊपर, यानी कि बेसिकली इट इज अ फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन होती है दोनों चीजों के बीच में, तो आपके पास Na2SiO3 बनता है जिसे आप वाटर ग्लास या सोडियम सिलिकेट कहते हो, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अब इसके नीचे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो इनकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, जैसे सिलिका के बारे में है कि सिलिका, अच्छा मट्टी अक्सर बच्चों से बात होती है तो मैं बोलता हूँ कि सिलिका का कलर क्या है SiO2, बच्चे बताते हैं, कोई बोलता है रेड, कोई बोलता है ग्रीन, कोई बोलता है ब्लैक, तो मट्टी का कलर जैसा होता है बहुत अलग अलग तरह, आप मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने तरह की मट्टी देखी है, मैंने 10-11 किस्म की मट्टियां देखी अलग अलग कलर्स की, तो मुझे तो आइडिया है, पर्पल कलर कलर की भी मट्टी होती है, और पिंक भी देखी है, रेड भी देखी है, रेड तो आप लोगों ने भी कॉमनली देखी होगी शायद, तो अलग अलग तरह की मट्टियां हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं सिलिका का कलर पूछूं तो अब आपके पास चॉइसेस बहुत सारी आ गई सर, इतने सारे कलर्स हैं, सिलिका का कलर क्या होगा, सिलिका का कोई कलर नहीं होता, सिलिका कलरलेस, कलरलेस से मुराद वाइटिश सा कलर या कलरलेस सा आप कह सकते हो, ये जो बाकी आप कलर देखते हो ना रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक मट्टी के, ये असल में सिलिका के नहीं है, ये उस मट्टी में शामिल इम्प्यूरिटीज के, ट्रांजिशन एलिमेंट की इम्प्यूरिटीज जब उस मट्टी में शामिल हो जाती हैं तो उसका कलर आ जाता है, बिल्कुल, अगर उसकी इम्प्यूरिटीज अलग कर देंगे तो सबसे पहले तो उसका कलर चला जाएगा और फिर आपको प्योरली सिलिका मिल जाएगा, ठीक है, दोबारा बोलो समझा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो जो रेड मट्टी होगी, रेड कलर जो सिलिका में आता है वो क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से आता है, अगर मट्टी में क्रोमियम ऑक्साइड शामिल है तो उसका कलर रेड होता है, अगर आप उसमें से क्रोमियम ऑक्साइड निकाल दोगे तो उसका रेड कलर खत्म हो जाएगा और मट्टी यानी कि सिलिका आपके पास प्योरली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब मट्टी को हीट करते हैं तो वो थर्मली एक्सपेंड नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का थर्मल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो होता है, और अगर एलिमेंट्स की बात हुई है तो सर अगर कंपाउंड्स की सूरत में बात करें बेटा, वो कंपाउंड जो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है, तो कंडक्ट नहीं करते उनका कम होता है, सिंपल ऐसे याद रखना, ठीक है। तो एक्सेलेंट इंसुलेटर है, मट्टी में से करंट वगैरह पास नहीं होता, आप लोग की जानकारी में ये बात है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में मट्टी डिजोल्व नहीं होती, अनरिएक्टिव टूवर्ड्स मेनी रिएजेंट, बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट SiO2 रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है, बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट नहीं, कुछ चीजों के साथ SiO2 भी रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि HF एक ऐसा एसिड है जिसके साथ सिलिका रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और HCl के साथ करता है सर, नहीं, HBr के साथ नहीं, HI के साथ नहीं, HF के साथ करता है, क्योंकि इस सीरीज में
जो सबसे ज्यादा मतलब ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो HF है, दैट्स व्हाई HF के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, बाकी किसी हेलोजन एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब बात करें अगर सिलिकेट्स की, सिलिकेट्स वाटर ग्लास फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, इससे आप केमिकल गार्डन बनाते हो, सोप इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। केमिकल गार्डन क्या होता है, मैं दिखाता हूँ बल्कि। अच्छा भाई, अब बात कर रहे हैं कुछ मजीद कंपाउंड्स की। और अच्छा, सिलिकॉन के हमने कुछ कंपाउंड्स देख लिए, सिलिका और सोडियम सिलिकेट देखा। अच्छा, सिलिकेट सिर्फ सोडियम का नहीं होता, सिलिकेट पोटेशियम का भी हो सकता है और कैल्शियम का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है। आपको यूनिट याद रखना है, दरअसल SiO3 ये जो यूनिट है ये सिलिकेट का यूनिट कहलाता है अगर इसके साथ कोई मेटल लगा है, और SiO2 सिलिका है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कंपाउंड्स, जैसे एक है एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसकी प्रिपरेशन यहां मैंने आपके सामने लिखी है कि K2O.Al2O3.6SiO2+H2CO3+H2O। आपसे प्रिपरेशन नहीं पूछी जाएगी, ना ही आपसे मिसिंग रिएजेंट्स का जिक्र होगा, ना एम कैट में ना ई कैट में। सही है, हाँ ये हो सकता है कि सोडियम सिलिकेट जैसे सॉरी एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाना है आपको, एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाने के लिए आपको कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करना है, ये सवाल हो सकता है। अब उन रिएजेंट्स में से कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करना है, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करना है, तो अब देखो एक तो ये चीज आ गई, ये आपके पास तो पोटेशियम सिलिकेट की ओर है। ठीक है, रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, दरअसल रिएजेंट यूज हो रहा है ये, क्या है ये है, ये है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यहां पे क्या यूज हो रहा है बेटा, कार्बोनिक एसिड यूज हो रहा है। तो अब आपको ये याद करना पड़ सकता है कि यार एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाने के लिए आप रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं, मतलब ये सवाल हुआ कि एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाना है कौन सा एसिड यूज करेंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, चार एसिड दिए हैं, तो उनमें से करेक्ट आपको फाइंड करना है कि यार कार्बोनिक एसिड यूज करेंगे। अच्छा, कार्बोनिक एसिड को इस तरीके से भी लिखा जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O भी लिख सकते हैं आप, इसे H2CO3 मिलाकर भी लिख सकते हो और CO2+H2O भी लिख सकते हो, ये कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, उसके अलावा अच्छा अब ये है क्या, एल्यूमिनियम सिलिकेट बेसिकली होता क्या है, इट इज कॉल्ड एज प्योर क्ले। सही है, जिसे आप काओलिन कहते हो। ठीक है, प्योर क्ले का दूसरा नाम है काओलिन। ये एमसीक्यू पूछा गया है बहुत बहुत मरता, इंटर में भी आया है ये एमसीक्यू, 9 मैट्रिक 9 केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है अक्सर, इंटर में भी अगर आप पास पेपर्स में देखोगे ना तो ये एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये किन चीजों को बनाने में इस्तेमाल होता है, ये चाइना डिश बनाने में इस्तेमाल होता है। इंटर में एक मतलब एमसीक्यू आया था कि डैश इज यूज फॉर मेकिंग चाइना डिशेस, तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन अगर काओलिन दिया हुआ तो काओलिन, या अगर आपको प्योर क्ले कहा हुआ है तो प्योर क्ले करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इंटर का इंटर में भी आया हुआ है, एप्टीट्यूड में भी एक आध जगह पेपर में मैंने ये एमसीक्यू देखा है। सही, तो ऑर्डिनरी क्ले कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एज इंप्योरिटी, जैसा मैं भी बता चुका हूं कि जो आपके नॉर्मल मट्टी जो होती है SiO2 उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंप्योरिटीज मौजूद होती हैं जिसकी वजह से उनका कलर आ जाता है, तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसका इस्तेमाल जो है वो ब्रिक्स और टाइल्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि आप अमूमी तौर पे सैंड का इस्तेमाल नहीं करते हो, ब्रिक्स जो पत्थर वगैरह आप बनाते हो उस वो बनाने के लिए आप सैंड यूज नहीं करते बल्कि क्ले यूज करते हो। क्ले और सैंड में थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल का फर्क होता है। ठीक है, दोनों में दोनों चीजों की मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज में और इन चीजों में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाइए, ये एक कंपाउंड है टेल्क या सोप स्टोन इसे कहा जाता है, ग्रीसी टू टच, ग्रीसी से मुराद ये होता है कि चिकना सा फील होता है, चिकना पत्थर जिसे हम कहते हैं ना, ये चिकना पत्थर है। ठीक है, और जो पुराने जमाने में आग जलाने के लिए इस्तेमाल होते थे जिसे हम उर्दू में चकमक पत्थर कहते हैं, ये वो होता है। ठीक है, फिर आ जाइए एस्बेस्टोस पे, एस्बेस्टोस एक तरह का मिक्स कंपाउंड कह लें या मिक्स एलॉय कह लें, इसमें मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं, सिलिकॉन भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और एस्बेस्टोस के मुख्तलिफ यूजेस हैं।
एक तो ये परमिएबल बाउंड्री बनाने में इस्तेमाल होता है, कहां पर? नेल्सन सेल में, नेल्सन सेल में, सेल के ऊपर हम इसकी कोटिंग करते हैं एस्बेस्टोस की। इस तरीके से फर्नेसेस जहां पे हम मेटल्स को पिघला रहे होते हैं, वहां फर्नेसेस में टेम्परेचर 1000 से ऊपर जा रहा होता है, तो वहां पर हम एस्बेस्टोस की लाइनिंग या कोटिंग कर देते हैं कि वो हमारी फर्नेस को खराब ना करे, ठीक है ना। तो एस्बेस्टोस इन एक हीट रेजिस्टेंट रेजिस्टिव सब्सटेंस होता है, तो ये हीट बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। आगे आइए, कोई सवाल? लेड पिगमेंट्स और लेड पिगमेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक ग्रुप फोर के हवाले से। अच्छा, अब इसमें आपको याद करने की क्या बात है जो मतलब आपको पता होना चाहिए? आपको पिगमेंट का कलर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना। जैसे अब रेड लेड पिगमेंट अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, अच्छा ये रिड्यूस में नहीं था, रिड्यूस में आपका कट चुका है सेकेंड ईयर में, लेकिन ये इसमें शामिल है। अब रेड लेड पिगमेंट कहा जाए तो रेड लेड पिगमेंट आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, Pb3O4। और रेड लेड पिगमेंट के और नाम क्या है? या तो इसके सिंदूर कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, तो लेड सेस्क्वी ऑक्साइड, उसके अलावा PbO से ये बनता है। अच्छा, अब ये चार नाम आपको याद करने हैं, एक लिथार्ज, मुर्दा संघ, सिंदूर और लेड सेस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, लिथार्ज और मुर्दा संघ किसे कहा जाता है भाई? पीबीओ को कहा जाता है। अगर पीबीओ को हम ऑक्सीडाइज करते हैं सिंपली, तो हमारे पास सिंदूर Pb3O4 बन जाता है, और ये वही सिंदूर ही है जो आप लोगों ने टीवी ड्रामों में देखा होगा, ठीक है। तो आपको पिगमेंट के नाम के साथ उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट पिगमेंट है, व्हाइट लाइट पिगमेंट क्या होता है? अब व्हाइट लाइट पिगमेंट ये होता है, अच्छा बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला इस तरह से जैसे मैंने यहां लिखा है इक्वेशन में, ऐसा याद करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इसको कंबाइन करके, कंटेन करके याद कर लो। जैसे देखो पीबी कितने नजर आ रहे हैं, दो, तो आपने लिख लिया Pb2, सही। अच्छा, कार्बन एक नजर आ रहा है और ऑक्सीजन चार नजर आ रहे हैं, एक दो बल्कि नहीं, ऑक्सीजन दो इधर है और तीन इधर है, पांच है, और हाइड्रोजन दो नजर आ रहे हैं, Pb2, और आप इसको इस तरीके से कर लो H2CO5। अगर आपको अलग अलग करके याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कम से कम ऐसे याद रख लो, बेहतर तो ये है कि आप ऐसे याद रखो ताकि पेपर में अगर इस तरीके से आए या उस तरीके से आए, उसको आइडेंटिफाई कर सको। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो आप इसको मिलाकर याद कर लो। अब मिलाकर याद करने से सर वहां पर अगर ब्रेक करके आया हुआ और सब में इस तरह का फील हो रहा हुआ, फिर हम क्या करेंगे बेटा? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो आपने मिलाकर याद किया है, ये सम जो है ना, वहां पे चारों ऑप्शन में अप्लाई नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर अप्लाई होने लगेगा तो फिर फॉर्मूला सेम हो गया ना, तो दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे, तो मुमकिन नहीं है, ठीक है भाई, याद रहेगी वाली बात। इसी तरीके से क्रोम येलो पिगमेंट है। अब क्रोम येलो पिगमेंट PbCrO4 को कहते हैं, K2CrO4, PbCrO, दरअसल जो CrO4 नेगेटिव आयन है ना, ये येलो कलर का होता है। इसके साथ जो लगा होगा वो येलो कलर का होगा, पोटेशियम लगा है तो वो भी येलो कलर का होगा, लेड लगा है तो वो भी येलो कलर का होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देख रहे हो K2CrO4 लिखा हुआ, ये भी येलो कलर का ही होता है, ठीक है ना। क्रोम रेड पिगमेंट, अब ये देखो PbCrO5, क्रोम एक रेड लेड पिगमेंट है और एक क्रोम रेड पिगमेंट है। अब रेड लेड में क्रोमियम नहीं है और क्रोम रेड में क्रोमियम है, बस इतना सा डिफरेंस है, इसको याद कर लेना। अच्छा, जो नाम बताए गए हैं, ये नाम आपको रेड लेड के लिए बताए गए हैं, क्रोम रेड के लिए नहीं बताए गए, सही। टर्नर येलो, टर्नर येलो ये है। अब आपको इनकी प्रिपरेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन नहीं पूछने वाले, रिएजेंट्स नहीं पूछने वाले। पूछ क्या सकते हैं? पूछ ये सकते हैं कि रेड लेड पिगमेंट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड लेड पिगमेंट, चार ऑप्शन दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोम येलो पिगमेंट, चार ऑप्शन दे दिए, ये पूछ सकते हैं। या फिर आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल PbCrO4, विच पिगमेंट इज दिस, या PbCrO इज ऑफ डैश कलर, ये चीजें पूछी जाएंगी, सही है।
यानी कि बैठ स्मार्टली तैयारी करनी है, पूरा पूरा रट्टा नहीं लगाना है इक्वेशन के, बैठ के बैठे हुए रट्टे लगा रहे, नहीं, जो चीज पूछी जाएगी जिस तरीके से उसको उस तरीके से याद करना है। अब इनके कलर्स को नाम के साथ याद करने में शायद 10 मिनट लगेंगे और पूरी पूरी इक्वेशंस के रट्टे लगाने में शायद आधा घंटा लगेगा। तो आपकी मर्जी, आप आधा घंटा लगाएं या 10 मिनट, लेकिन फायदा 10 मिनट का ही होना है, आधे घंटे का फायदा नहीं होना। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? मेडिकल के स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? एमकेट के स्टूडेंट्स बेटा, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम नाइट्रोजन फैमिली अपनी स्टार्ट करेंगे। कार्बन फैमिली तक हमने पढ़ लिया, मतलब ग्रुप 3 और 4 हो गए, अब ग्रुप 5 और 6 हमें देखना है इंशाल्लाह। और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक कुछ एक्स्ट्रा क्लास वगैरह की अरेंजमेंट करूं सैटरडे वाले दिन। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स खुसूसी तौर पे आप लोग जरा इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि सैटरडे वाले दिन क्लास मेरा रखने का इरादा है 11:30 से 1:30 तक। ठीक है, तो बी देयर ऑन टाइम। बाकी कंफर्म जो है वो मैं ग्रुप पे मैसेज करके कर दूंगा। तो फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।